को नुकसान पहुंचाए उसकी भरपाई भी इन्हीं आरोपियों से की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा को लेकर सीएम धामी का बयान भी सामने आया, अवैध कब्जे वाली जगह पर पुलिस थाना बनेगा बिना नाम लिए कांग्रेस पर उन्होंने प्रहार किया है। दशकों तक राज करने वाले दल ने नहीं किया काम, विशेष दल ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। तो सीएम धामी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर अवैध कब्जा किया गया था उस जगह पर थाना बनेगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक राज करने वाले दलों ने कोई काम उत्तराखंड में नहीं किया, विशेष दल ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। हल्द्वानी में जिस तरह अराजक तत्वों के द्वारा हमारे पुलिस कर्मियों पर, हमारे पत्रकार भाइयों पर और विशेष करके हमारी जो पुलिस की महिला जवान थी, महिला पुलिस कर्मी थी, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम इसे किसी भी सूरत में देवभूमि के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र को रचने वाले कुछ लोग लगातार, पुलिस उनको पकड़ने का काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और जो भी इस षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें भी जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनबुलपुरा है, ये बनबुलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है, वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर